दोस्तों, मोरवा डिजाइन में आपको स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ब्लैंक्स अच्छे से निकालते हैं शीट मेटल में। तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल सब्सक्राइब करना। ये मैंने पहले से ही पार्ट बना रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा और मैंने एक्चुअल में सारा कुछ इसमें बता रखा है कि सॉलिड का भी निकल सकता है, आप शीट मेटल का भी निकाल सकते हो और कोई सा भी पार्ट हो इस टाइप का उसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट मेरा ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ मैंने बनाया है इसको इसलिए इसका निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप IGS स्टेप फाइल का भी निकाल सकते हैं आराम से इजली। तो ये पार्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो देखते रहना, कुछ भी चीज़ छूट नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुई तो फिर ये होगा नहीं, फिर आप कहोगे वीडियो गलत है, ये हुआ। ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये हमारे पास पार्ट है, तो आपको जाना है फाइल और एनालिसिस। एनालिसिस में जाना है आपको और इसके बाद जाना है एनालाइज फॉर मल्टी वन स्टेप। ये ओपन होने वाली है। तो आपको एनालाइज फ्रॉम एवेलिटी में जाके वन स्टेप पे जाके आपको यहाँ पे करना है एंट्री अनफॉर्म। ठीक है, अनफॉर्म करना है यहाँ पे आपको फेस की जगह, ये एंट्री अनफॉर्म करके यहाँ पे फेस की जगह आपको सॉलिड करना है, क्योंकि आपका पार्ट सॉलिड है, सीट है जिसकी 3 mm थिकनेस है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट करना है और ये फेस सेलेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, अब आपको ये डायरेक्शन मांगेगा, इसको डायरेक्शन दे देनी है आपने और यहाँ पे स्पेसिफाई अनफॉर्म पॉइंट लगाने हैं आपको दो सिर्फ। ठीक है, स्पेसिफाई अनफॉर्म पॉइंट लगाने, जो कि आप कहीं भी लगा सकते हो, जो फेस आपका सीधा हो, प्लेन हो, वहाँ पे आप दो जगह पॉइंट लगाने हैं। एक ये पॉइंट लगा लिया मैंने, क्योंकि हम इस एज के, इस एज जो हमारे ये नीचे पॉइंट लगा रहे हैं इसी के पैरेलल ही वो अनब्लैंक होगा। ठीक है, तो होने के बाद नेक्स्ट या नीचे आना है। मटेरियल में आप जाओ तो मटेरियल दिखा सकते हो, ये रहा। ठीक है, स्टील दे रखा है और बाकी डायरेक्शन आपने दे ही दी। ठीक है, थिकनेस आप यहाँ से देख लें, मेरे पार्ट की थिकनेस 3 mm है। यहाँ पे ये मिड सरफेस ही रखना है, मिडल सरफेस। ठीक है, थिकनेस 3 mm आ गई ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने पार्ट सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद आपको करना है मैस पे, सिर्फ मैस करना है। पहले पार्ट मैस होगा, देखते रहना। जो कि मेरे से बहुत लोगों ने बोला था कि अनब्लैंक करने की वीडियो बनाओ, तो मैं इसको बना रहा हूँ। लोगों की मेरे पास फ़ोन भी आए थे, कमेंट्स में भी लिखा था, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं बना पाया था। तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका रिस्पॉन्स अच्छा देना। ठीक है, ये मैस हो चुका है। अब आपको करना है सीधा कैलकुलेट। इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं बता सकता जो मैंने बताया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका स्केच आ गया ब्लैंक का, इसको ओके कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको क्लियर है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और मैं इस पे काफ़ी एडवांस एडवांस फीचर की, मतलब मैंने वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एडवांस के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखोगे तो सारे कुछ एडवांस ही मिलेगा आपको, नॉर्मल कुछ नहीं मिलने वाला। जो कि एडवांस
फीचर होते हैं उनके बारे में आपको पता लगेगा।